ज्यादा लेट मत करना डियर। वो क्या है कि 3 घंटे में शीतल कभी भी आ सकती है। कौन? क्या? अरे मेरी वाइफ है वो। तभी तो हमारी याद नहीं आ रही आजकल। अरे जिसे तुम्हारी आदत पड़ गई उसे कोई और कैसे भा सकता है मेरी जान। बस तो जल्दी से आ जा, मैं तेरा वेट कर रहा हूँ। आइए अंदर आइए। नहीं मैं शायद गलत पते पर आ गई। नहीं 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 बिल्कुल सही पते पर आए हो। आपका नाम प्रिया है ना? जी एक ग्लास पानी मिलेगा? श्योर, वाई नॉट। लेकिन उसके लिए आपको अंदर आना पड़ेगा। आइए 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 ना, आइए बैठिए। बेटी मैं पानी लेकर आती हूँ। पानी पियो। दीपक को तो देख रही हो क्या? अरे घबराओ मत, आराम से पानी पियो। हाँ वो दीपक ने मुझे कुछ जरूरी काम से बुलाया था। दीपक ने तुम्हें जिस काम के लिए बुलाया था वो काम तो वो मेरे साथ कर चुके। अरे घबरा क्यों रही हो? ये दरवाजा खुल क्यों नहीं रहा है? जो काम तुम यहाँ करने आई थी ना वो काम बंद दरवाजों के बीच में ही किया जाता है। ये दरवाजा मैंने बंद किया है ताकि यहाँ जो कुछ भी हो ना वो कोई और ना देख पाए। क्या चाहती हो तुम मुझसे? आप बस वही जो दीपक तुमसे चाहते थे। ये कैसे पॉसिबल? आई एम नॉट अ लेस्बियन। तुमने एक्सेप्ट कर ही लिया कि तुम यहाँ दीपक के साथ फिजिकल होने आई थी। नहीं नहीं मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। अच्छा तो कैसी लड़की हो तुम? हाँ बताओ, जो भी है मुझे सच बताओ बिना झूठ बोले। तुम दीपक की बिजनेस पार्टनर हो? हाँ या क्लाइंट हो या फ्रेंड हो? आप एम्प्लॉय हो, फ्रेंड हो या फिर रिश्तेदार? क्या हो तुम? तुम ठीक कह रही हो, मैं दीपक के साथ फिजिकल होने आई थी यहाँ पर, बट ये सब मेरी गलती नहीं है, दीपक ने मुझे बुलाया था। तुम उसे पनिश करो। तुम हस्बैंड वाइफ का ये मैटर है, तुम दोनों सॉर्ट आउट कर लो। मुझे जाने दो प्लीज, मेरी मजबूरी मुझे ये काम कराती है। मुझे इस काम का कोई शौक नहीं है, मेरे पास कोई जॉब भी नहीं है और मेरे पास पूरी घर की जिम्मेदारी है। बहुत बहुत अच्छी तरीके से अपने घर की जिम्मेदारी निभा रही हो, अपने परिवार को चलाने के लिए। किसी का परिवार तोड़कर उसके घर में आग लगाकर अपना परिवार चला रही हो। बड़ी दिलचस्प है तुम्हारी कहानी। अच्छा मुझसे गलती होगी, मुझे माफ कर दीजिए, छोड़ दीजिए मुझे, मैं जा रही हूँ। ऐसे कैसे जा सकती हो तुम? हाँ हस्बैंड ना सही, वाइफ को शांत कर दो। हाँ वाइफ को शांत कर दो। क्या कर रही हैं आप? क्या परेशानी है तुम्हें? हाँ क्या परेशानी है तुम्हें? अब यही तो तुम दीपक के साथ करती थी ना। मैं पैसे दूंगी तुम्हें इसके। मुझे बताओ दीपक तुम्हें कितने पैसे देता था? मैं भी तुम्हें उतने ही पैसे दूंगी। बोलो उससे ज्यादा दूंगी। चलो चलो
चल चुपचाप मेरे साथ चल, चल। आजा आजा बैठ। कुछ देख सकता है और ना ही कुछ सुन सकता है, कुछ महसूस भी नहीं कर सकता। आ जाओ मेरे पास, आ जाओ, आ जाओ। मैं आपके पास आऊंगी, आप जो बोलोगे वो करूंगी, पर ये बता दीजिए दीपक जी को क्या हुआ, प्लीज मुझे बताओ। अगर मैंने तुमको ये सब कुछ बता दिया कि क्या हुआ था तो तुम पक्का मेरे पास आ जाओगी ना, मुझे परेशान तो नहीं करोगी ना, पक्का वादा? हाँ, पक्का वादा। ठीक है, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। जब मैं कमरे में आई ना, तब ये बन ठन कर तैयार होकर परफ्यूम लगाकर तुम्हारा इंतजार कर रहा था। पर इसकी बदकिस्मत तो देखो, मेरे पास फ्लैट की डुप्लीकेट चाबी थी और उसके बाद मैंने देखा ये सेक्सुअल पावर को बढ़ाने के लिए मेडिसिन रखी हुई थी और दारू भी रखी हुई थी और प्रोटेक्शन भी रखा हुआ था। हाँ, और तुमसे फोन पर बात कर रहा था और फिर मुझे देखकर उसके तो होश ही उड़ गए, उसके होश उड़ गए, उसका पूरा प्लान मेरी आंखों के सामने खुल गया। और तुम्हें पता मैंने क्या किया? सारी सेक्सुअल पावर बढ़ाने वाली मेडिसिन उसे खिला दी, उसे खिला दी। और उसके बाद जब हमने इंटीमेट होने की कोशिश की तो बीच में ही भगवान को प्यारा हो गया। हाँ, तुम्हें पता है क्या, जब से मेरी शादी हुई है ना, तब से लेकर ये आज का दिन है, उसने मुझे ना कभी भी फिजिकल एंजॉयमेंट नहीं दिया है। और तुम्हें पता है मैंने सोचा कि चलो आज मुझे मौका मिल गया है तो मैं इसके सारे मजे लूंगी, लेकिन साला बीच में ही छोड़ के चला गया। इसे किसी ने नहीं मारा है, ये तो अपनी मौत मर गया है। सुनो, मैंने तुम्हें क्या हुआ कैसे मरा सब कुछ बता दिया है, तो अब तुम आ जाओ मेरे पास, आ जाओ, अब और मत तरसाओ, आ जाओ, आ जाओ। शीतल मैम, आपका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, आप बिल्कुल पागल हो चुकी हैं। दीपक आपको पिछले कुछ महीने से ऐसी मेडिसिन खिला रहा था जिससे आपका मानसिक संतुलन बिगड़ जाए और आप पागल हो जाओ, और आप सच में पागल हो चुकी हो। वो मरते मरते भी अपने मकसद में कामयाब हो गया, देखिए पागल कर गया वो आपको। वो चाहता था कि आपको तलाक देकर मुझसे शादी कर ले। सुन, मैं पागल ना तो पागल सही, छोड़ो उसे, अब तुम आ जाओ, अब तुम मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। कहाँ जाओगी, कहाँ जाओगी भागकर, कहाँ जाओगी भागकर, आ जाओ, आ जाओ मेरे पास, मेरे पास आ जाओ, आ जाओ मेरे पास, आओ, आओ।
लो पुलिस स्टेशन, लो पुलिस स्टेशन, आप एक एम्बुलेंस भिजवा दीजिए। मिसेस दीपक जिंदा है, उनकी सांसें चल रही हैं।